रात को सोते समय आपको भी डरावने सपने आते होंगे, अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, वाइफ के लिए, पति के लिए, आपको ये लगता होगा कुछ हो ना जाए इनको, अजीब से ख्याल आते होंगे। पूजा करते होंगे तो मन में अजीब अजीब से आपके ख्याल भी आते होंगे, क्या मेरी फैमिली को कुछ हो तो नहीं जाएगा, मेरे बच्चों को कुछ हो तो नहीं जाएगा, इनको कुछ हो तो नहीं जाएगा। आप मतलब अपनी पूजा में फोकस नहीं कर पा रहे, और वो डरावना जो आपका आस पास वो डर जो घूम रहा ना, वो आपको पूजा में आपका ध्यान भी नहीं लगने दे रहा। आप घर जाते हो, कभी किसी बच्चे की तबीयत खराब, किसी वाइफ की तबीयत खराब, अपने पति की तबीयत खराब, ये भी आपके साथ होता रहता हुआ। और आप घर से बाहर जैसे डॉक्टर के उनको लेके जाते होंगे तो वो बिल्कुल ठीक मिलते हैं, कोई भी बीमारी उनको नहीं मिलती। आज की जो मैं ये कहानी ये आपको जो देने जा रहा हूं ना, इसको अंत तक सुनना, क्योंकि भाई एक ऐसा वाक्य मेरे साथ भी हुआ। मैं आपको कुछ अपने से रिलेटेड कहानी बताऊंगा। मैं देखो भगत ना, मंगलवार शनिवार का मैं दरबार भी लगाता हूं, जगत कल्याण भी करते हैं, दुखिया जो आते हैं उनको भी भाई ठीक करते हैं, सारी चीज का कार्य करते हैं, पर भगत पे भी गलती हो जाती है, जो भक्ति करता हूं उन पे भी गलती हो जाती है। पर आप तो भाई नॉर्मल इंसान हो, आपको भक्ति का नॉर्मल अपने घर में जो अगरबत्ती की आपको वही भक्ति पता, पूरी भक्ति का आपको पता नहीं किस तरीके से करना, किस तरीके से नहीं, और आप गुरु बनाते हो तो गलती तो पता नहीं किससे हो जाए। अगर आपसे भी ये गलती हो रखी है तो आप आज ही जाके अपनी समय याचना कीजिए, क्योंकि आप लोगों के कई बार क्वेश्चन होते हैं, भाई मेरे को माता मसानी दिखती है, हाथ में बच्चा ले दिखती है, मेरे बच्चों की तबीयत खराब रहती है, एक्स वाई जेड कुछ ना कुछ आपको दिखता ही रहता है। तो क्या किसी ने, आप सोचते हो किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया है? आप भक्तों के पास जाते हो, बकायदा वो शक्ति होती है, वो भक्तों के पास जाके वो उसको आप और नाराज कर देते हो। आज की जो मैं शिक्षा आपको देने जा रहा हूं ना, मैं तो संभल गया, क्योंकि मेरी पूरी कहानी ये सुनना मैं जो बताने जा रहा हूं, क्योंकि ये सच्ची कहानी है भाई, बिल्कुल सच्ची कहानी, मेरे साथ खुद के साथ बीती हुई कहानी है। तो आज मैं जो आपको कहानी बता रहा हूं ना, ये कहानी सुनना भाई। रक्षाबंधन का समय था, आपको पता रक्षाबंधन सोमवार के दिन था, शिवरात्रि के बाद का जो सोमवार था, आपका सावन का महीना चल रहा था, लास्ट सावन का महीना था, सोमवार था लास्ट। तो होता क्या भाई, मैं अपनी मम्मी को लेके मामा को छोड़ने के लिए जा रहा था, और मेरी वाइफ भी साथ में थी, बच्चे भी साथ में थे। तो मम्मी बोली कि आज सोमवार है, मैं शिवजी महाराज जी को नहलाते हुए जाऊंगी। तो माँ ठीक है मम्मी, आप नहला लेना, सारी चीज कर लेना। तो भाई हमारे गांव का एक क्षेत्रपाल मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, शीले साते वाली माता शीतला का, एक तो गुड़गांव वाली माता शीतला है, एक शीले साते वाली माता शीतला, जिसकी मैंने सेवा भी उठा रखी थी, तपस्या भी कर रखी थी, साधना भी कर रखी है, मैं सारी चीज कर रखी थी भाई वो माता की। तो मैं गाड़ी लेके गया, मम्मी उतर गई मंदिर में, मम्मी वो मंदिर में उतर के अपने शिव जी को नहलाने लगी, सारी चीज को नहलाने लगी। नहलाने के बाद मैं गाड़ी में बैठा, मम्मी बोली आज अंदर आ जा, मैं बोला मम्मी आप कराओ, मैं गाड़ी में बैठा हूँ, कोई आ जा क्या पता को गाड़ी हटानी पड़ जाए, और माता तो मेरे साथ ही नहीं है, सारी चीज का वही नहीं है। इतना कह के मैं अंदर नहीं गया, मम्मी कहती रहेगी ना मम्मी तुम कराओ, मैं मम्मी तुम कराओ, वहां पे थोड़ा करके मम्मी अंदर चली गई, मेरी वाइफ भी अंदर चली गई, मैं गाड़ी में बैठा रह गया। अब सुनना मेरी कहानी आगे की क्या क्या नहीं। तो भाई मैं अंदर नहीं गया, सारी चीज नहीं गया। मैं कहता हूं ना कि आपके खुद के जो देवता होते हैं ना, अगर आप उनको भूल जाओगे ना तो आपका मत्था अपने दाम पे टिकवाएंगे टिकवाएंगे, आप कितना भी अंगा लगा लेना आपको इतना वो हो जाएगा, आपके काम धंधे चौपट हो जाएंगे। तो होता क्या भाई, फिर वहां से मैं मम्मी को छोड़ के मैं बहन के पास चला गया, अपने गुरु के पास चला गया, वहां पे मैंने भी राखी बंधवाई, राखी बंधवा के मैं आ गया। आने के बाद होता क्या है, यूट्यूब चैनल की ग्रोथ रुक जाती है, सुनना मेरी बात। अब धीरे धीरे मेरे थोड़ी सी तबीयत सी खराब होने लग जाती है, वाइफ के तबीयत सी खराब होने लग जाती है, बच्चे की तबीयत सी खराब होने लग जाती है। मैं बोला चलो भाई मौसम चेंज हुआ, बारिश वगैरह हो रही होगी और इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रखी होगी। देखो हम भक्ति करते हैं, जिसमें ये देखना मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं समझना, दो दिन चले गए, चार दिन चले गए, पांच दिन चले गए, मैं जोतबत्ती में बैठू तो मैं जैसे ही माला निकालू मुझे माता शीतला बिल्कुल साक्षात रूप में मेरे दरबार में सामने खड़ी दिखे। मुझे बोला वाह माता आपका धन्यवाद, मेरे को आप दर्शन दे रहे हो, सारी चीज कर रहे हो। और जैसे ही मैं माता की माला निकालने लग जाऊं, अपना जो मंत्र है अपना निकालने लग जाऊं, तो मेरे मन में वैसे ही गलत ख्याल आने लग जाए। और मैं बोला यार हो क्या रहा, मेरे को समझ से बाहर, क्यों मेरे माइंड में वो बात थी नहीं कि मैं मत्था नहीं टेक के आया, सुनना मेरी बात, वो माइंड में बात थी नहीं मैं मत्था नहीं टेक के आया। बच्चे की बिल्कुल तबीयत ज्यादा खराब हो गई, उसको फीवर होने लग गया, 101, 102, 103 फीवर होने लग गया। अभी इसलिए मेरी तीन चार दिन से वीडियो नहीं आ रही थी भाई, उसको फीवर चढ़ने लग गया। बच्चे की मम्मी जो आपकी भाभी है भाई, उनकी तबीयत खराब होने लगी। मेरे पे ज्यादा असर नहीं था क्योंकि मैं भक्ति करता हूँ, अपने सारी चीज का दरबार, मैं झाड़ा मारू तो झाड़ा काम नहीं कर रहा भाई मेरा बच्चे के ऊपर। मैं बोला यार अच्छी बात होगी, ये झाड़ा भी काम नहीं कर रहा, सारी चीज काम नहीं कर रहा, और मां को सुत्ता काम हो गया भाई होता है। और दूसरी बात एक, देखो गांव में घर पे रहूं तो बच्चे को फीवर, डॉक्टर के लेके जाऊं तो बिल्कुल नॉर्मल, खेल रहा कूद रहा है, कोई फीवर नहीं कोई कुछ नहीं भाई। रात को
12 बज गए, लड़के को भाई जब ये होगा बिल्कुल चक्कर, मैंने अर्जी लगाई माँ बाबा के सामने मत्था टेका, तो भाई बिल्कुल लड़का मतलब यहां से एक शक्ति जोर मारे वहां से वो शक्ति जोर मार दिया, दोनों शक्ति मेरी खुद की, क्योंकि बाहर की ओपरी पढ़ाई तो किसी कुछ चल ही नहीं सकती ना, क्योंकि हम भगत हो गए, हम पे किसी और का तो कुछ चल ही नहीं सकता, पर अगर हम खुद गलती करेंगे तो गलती को सुधारने का मौका तो माई देगी ना, भाई तूने गलती की है इसकी क्षमा याचना कर, ना तो भाई तू परेशान तो होगा ही। अब मुझे माइंड में ये ख्याल ना है कि भाई मैंने ये गलती कर रखी है, तो होता क्या है मैं डॉक्टर के लेकर गया, बिल्कुल ठीक भाई, डॉक्टर का पोस्ट बिल्कुल ठीक, बुखार नहीं, घर आ गए भाई, घर आते डॉक्टर ने दवाई दे दी थोड़ी सी, दवाई देगी सारी, इतना दवाई का सर आया, इतना उसका बुखार नहीं, सुबह उठा तो फिर उसको फीवर भाई 102-103 में, फिर डॉक्टर के लेकर भाजा, घर पे आते 102 फीवर, डॉक्टर के पास जाते 0 फीवर, डॉक्टर कहता है इसको तो फीवर है ही नहीं, बिल्कुल ठीक है भाई ये, मैं बोला यार अच्छी बात हो रही है, ना तो घर पे जाते तो फीवर चढ़ जाए, डॉक्टर का तो फीवर उतर जाए, भाई मैंने जोत बत्ती बैठा सारी चीज बैठा, मैं ध्यान लगाऊ तो मुझे मां शीतला दिखे भाई, मुझे मां शीतला दिख रही बार बार, मैं बोला हो क्या रहा है, मेरे गुरु जी से बात की, गुरु जी बोला भाई कुछ बोल चुक रह रही है तू, ये देख क्या बोल रखा तूने क्या नहीं, मैं बोला कि माए गुरु जी मैंने तो कुछ ऐसा बोल भी नहीं रखा माई का, जो बोला कबूल ला रह रहा हूं, तो मैं भाई जब लड़का ठीक नहीं हुआ गुरु जी के पास पहुंच गया, अपने कहते हैं ना जब गुरु जरूरी किस लिए होता है, जब हमें कुछ समझना है ना जब गुरु काम आता है, तो मैं गुरु जी के पास पहुंच गया, अपने गुरु जी से पूछा गुरु जी को भी भाई माता शीतला दिख रहे हैं कि माता शीतला का कोई बोला कबूला रह रहा भाई, तो भाई मेरे को ये याद ना है कि बोला कबूला क्या रह रहा है, फिर गुरु जी ने एक उपाय बताया मुझे कि ये उपाय कर, माता रानी खुद इस तरह को स्वयं दिखा देगी कि तूने क्या गलती कर रखी है क्या नहीं, मां ठीक है भाई मैं घर आ गया सारी चीज आ गया, मैंने घर पे आके अपने वो उपाय किया, उपाय करने के बाद सारी चीज करने के बाद, तो माई रानी का वो उपाय करे मुझे 10 मिनट हुई थी, माई रानी ने मेरे माइंड में सारी बात घुमा दी भाई, सारी बात घुमा दी कि तूने ये गलती कर रखी है, तूने ये कर रखा, घमंड आ गया तेरे में, अहंकार आ गया, तू मंदिर में आने के जोग्य नहीं हुआ, तो मतलब आप माइंड में वो सारी बातें चलने लगी भाई, मैं जाते ही नहाया धोया, घर से गुरु से जाते ही नहाया धोया, मैं सीधा मंदिर में गया भाई अपने गांव के मंदिर में, मैंने मत्था टेका, माफी मांगी, क्षमा याचना की, माई रानी तूने मेरे को अपना आशीर्वाद दिया, आज के बाद ये गलती नहीं होगी, भाई साहब वो दिन था और आज का दिन है, लड़के को बुखार नहीं हुआ, वरना मैं जोत बत्ती पे बैठता मेरे को भाई ख्याल भाई ये हो गया लड़के को, वो हो गया, तबीयत खराब हुई, अच्छा हुआ क्या, अगर मैं उसी समय गलती मान लेता ना तो ये नहीं होता भाई, वो कहते हैं ना, अच्छा उसके बाद जैसे मैंने क्षमा याचना की मैं यहां आया दरबार में, आया दरबार में आके बैठा तो भाई मुझे साक्षात रूप में दोबारा फिर माई रानी दिखी, माई रानी दरबार में बैठी है, दरबार में आ रखी है, और उसके बाद माई रानी की जो पेशी शरीर में चढ़ी भाई, जो 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 ऊर्जा के साथ माई रानी शरीर में आई है, और माँ ने जो आशीर्वाद दिया भाई, साक्षात आशीर्वाद देते मुझे दिखी भाई जी, साक्षात आशीर्वाद देते हुए मुझे माई रानी दिखी, माई रानी कह के गई जा आज के बाद तू अपने कच्चे काट, आज के बाद ये गलती मत कर देना, मैं तेरे साथ शुरू से थी और आज तक तेरे साथ हूं, आगे भी तेरे साथ रहूंगी, तो अगर तू मुझे भूल जाएगा तो मैं क्या करूंगी ये बता, उसी तरीके से मैं आपको समझाता हर बारी हूं भाई, भाई अगर आप अपने देवताओं को भूल जाओगे ना जिनकी आप पूजा करते हो प्रार्थना करते हो, और आप उनको अपने अहंकार दिखाते हो कुछ नहीं रखा इन बातों में कुछ नहीं है, तो आपको भी भाई ये देवी माँ है, ये आपके घर की देवी है, ये अपने आप आपका मत्था रगड़वा देगी भाई, आपका काम धंधा बंद हो जाएगा, इलेक्ट्रिक सामान खराब होना स्टार्ट हो जाएगा, आप सोचते हो भाई कि मेरे ऊपर तो किसी ने ओपरा पराया कर दिया, मैं आपको बताऊं एक बात, भगत है मेरे ऊपर किसी का ओपरा पराया नहीं चलेगा, पर मुझसे गलती हो जाएगी तो मेरी देवी शक्तियां मुझे सुधारने के लिए एहसास कराने के लिए किसी भी तरीके से कि तूने एक गलती करी है उसका आभास कराएगी, मेरे को आभास लड़के की तबियत होने से खराब होने से पहले से होने लग गया था, मुझे मां शीतला दिख रही है, लड़के की तबियत तो अब रक्षाबंधन से चार पांच दिन पहले से ज्यादा खराब होने लगी थी, वरना मेरे को जब से रक्षाबंधन है मुझे मां शीतला दिख रही थी भाई, कंटिन्यू मुझे मां शीतला दिख रही थी, आभास कराया भाई तुमने गलती कर रखी, सुधर जा, मुझे लगा कि मां शीतला दर्शन दे रही है, अच्छी बात है मेरी किस्मत वो हो रही है, मैं माता रानी दर्शन दे रही है, मैं इस उसमें रहा मुझे पता ही नहीं लगा, मैंने में आया नहीं कि मैंने गलती कर रखी है, पर वो जब मैं नहीं समझ पाया, जो धीरे 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 इफेक्ट बढ़ने लगा कि भाई सुधर जाए इफेक्ट हो गया, जब जाके मैं भागा जब दौड़ा जब जाके मुझे पता लगा भाई क्या गलती हो रखी थी क्या नहीं, उसी तरीके से आप लोग भी यही गलती करते हो भाई, गुरु का होना क्यों अनिवार्य है मैं आपको बताता हूं, अब एक गुरु अगर आप मान के चले आज आप पूजा करें आपके घर के कोई देवी देवता आपसे नाराज हो गए और वो आप किसी भक्ति चौकी पे जाते हो और वो जाती है कहते भाई इस पे तो भूत है प्रेत है चुराई पे पैर आ गया इसका तो ये हो गया इसका वो हो गया और वो आपके उतारे करे, जो शक्ति आपके बच्चों पे जोर दे रही है उसको आप बांधने की कोशिश कर दे वो भगत और उसको बांध दे तो वो और ज्यादा आपके ऊपर नेगेटिविटी आपको इफेक्ट डालने लगेगी, आपका ये बोलेगी भाई मैं इस चौकी पे चला गया मैं इस चौकी पे चला गया मैं आज तक ठीक नहीं हो रहा, असल बात उनको यही होती है कि उनके घर के कोई ना कोई देवी देवता नाराज है जो बार बार आप चौकियों पर जाके
उस देवता को आपने बंधन में ले दिया और बंधन में लेने के बाद वो आपसे नाराज हो गया। भाई कई बार जानते हुए भी हम लोग गलती कर देते हैं, मैं वहां मंदिर में चला जाता हूं, इफेक्ट माई रानी मुझे नहीं देती। और इसके पीछे भी माँ की कोई ना कोई, कहते ना देने वाली माई है समझाने वाली भी माई है, इसके पीछे भी माई की कोई ना कोई लीला होगी भाई जी। चलो हम तो भगत है भाई, माता रानी का बाबा का आशीर्वाद है, इनके आशीर्वाद से अपने गुरुओं के आशीर्वाद से हम चल रहे हैं, हर कोई दिक्कत आती है तो बच जाते समझ जाते हैं, समझ में आ जाती है तो हम तो निकल जाते हैं। माइंड भी हैंग काम करना बंद कर देता भाई जी इस टाइम पे, माइंड भी, क्योंकि आपका माइंड जब आपके कोई नाराज होगी ना सकती, वो आपके माइंड को इफेक्ट करेगी जल्दी से जल्दी, कि ये समझ ना पाए, और समझेगा दर्शन देगी समझाएगी भी, और आप समझ नहीं पाओगे कि क्या गलती हो रखी है क्या नहीं, आप इधर भागोगे आप उधर भागोगे, आप ये करोगे आप वो करोगे, आपका माइंड बिल्कुल हैंग होता आ जाएगा भाई, आपको समझने का मौका ही नहीं मिलेगा। कई बार आपने कई चौकियों पर जाके देखा ना कि भाई चौकी पर गए हम, चौकी पर जाने के बाद उसने कह दिया भाई तो भूत है माई रानी, अच्छा भूत है माई रानी कुछ नहीं बोलेगी, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या मान रहे हो, क्योंकि माई रानी आपको तो सपने में दर्शन दे रही है और आप कह रहे हो सामने वाला कह रहे हैं भूत है, तो उसमें भी माई रानी की शक्ति जो है वो भाई खंडित हो जाती है। नेगेटिविटी होने का आपको प्रभाव बताता हूं, मेरी बात सुनना, जब नेगेटिविटी आपके साथ होगी ना तो माँ तो आपको दिखेगी, वो नेगेटिविटी रूप ले सकता है, पर साथ में आपके साथ गलत संबंध सपने के अंदर ये सारी चीजें होने स्टार्ट हो जाएगी, गलत तरीके की हरकतें होने स्टार्ट हो जाएगी। पर जब कोई शक्ति नाराज होगी ना शुरू में, वो आपके साथ गलत हरकतें नहीं करेगी या कोई गलत चीज आपके घर में नहीं छोड़ देगी, क्योंकि वो तो हमारी घर की रक्षा के लिए, हमसे गलती हुई है ना, हमसे गलती हुई, हम अपनी गलती की क्षमा याचना कर लेते हैं, माफ हो जाते हैं, हमें माफ कर देती है मैडम, चलो भाई तुमने गलती की थी मैं मान गई। तो इसी तरीके से मैंने आपको कुलदेवी का भी समझाया था, कई लोग अपने कुलदेवी को पूजना बंद कर देते हैं, उनके धर्म नहीं जाते, वो नहीं करते, वो तो पूजवा लेगी भाई, आप कितना भी हंगा लगा लेना कि हम नहीं मानते हम ये नहीं करते हम वो नहीं करते, वो तो बुला लेगी, जब तक आप उनके सामने जाके मत्था नहीं देखोगे नाक नहीं डगरोगे तो बुला लेगी आपको, आप कितना भी हंगा लगा लेना कितना भी जोर लगा लेना। अरे माई रानी जब आप जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ दे के ही भेजेगी, खाली हाथ कभी माई किसी को नहीं भेजती, माई रानी ने मेरी परीक्षा ली, मेरे को सजा दी, सजा देने के बाद जैसे मैंने क्षमा याचना की माँ ने मेरे को वो आशीर्वाद वो रूप के दर्शन दिए, साक्षात रूप में दरबार में आके मेरे माई रानी खड़ी थी, और मेरे को जो आशीर्वाद देख गया वो आपके सामने शेयर नहीं कर सकता भाई, बता नहीं सकता भाई जो आशीर्वाद मैं, इसलिए तीन चार दिन से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी और मैं इसी चक्कर में वीडियो भी नहीं बना पा रहा था, हॉस्पिटल से घर आते थे अब ठीक है, फिर हॉस्पिटल जाओ बुखार हो गया, फिर घर आओ कुछ भी नहीं मिल रहा था भाई, समझ नहीं आ रहा था कुछ भी, मैं बोला क्या गलती होगी क्या नहीं, गलती सब इतनी हो गई थी, माँ के मंदिर के बाहर खड़ा हो गया था, अंदर जाने जोगा नहीं हुआ मैं। कहते भी भाई गलती से ही आदमी सीखता है, और कोई भगत गलतियां सभी भक्तों पे होती है भाई, जितने भी यहाँ भगत बैठे हैं ना इस संसार में सब पे छोटी मोटी गलतियां होती है, उनको सजा मिलती है, वो समझ जाते हैं, वो अपनी फीलिंग किसी के सामने शेयर नहीं करते, क्यों, क्योंकि अगर ये बातें बता दी तो आपको भगत कौन समझेगा, पर भगत वही है जो भाई अपनी बातें, अगर आपने साथ कुछ गलत हुआ है और उसका समाधान माई रानी ने दिया बाबा ने दिया शक्तियों ने आपको कुछ सिखाया है तो वो पाठ हम आपको भी सिखाए, आपको भी पता लगे, आप चौकी पे आप जाते हो, अगर आप चौकियों पे नहीं जाओगे आपको खुद ये छोटी छोटी बातें पता लगने लग जाए तो चौकी वालों को बूझेगा कौन भाई, इसलिए वो आपके सामने बातें शेयर नहीं करते, पर अपना एक मकसद है जो हुआ भाई शेयर करो, क्या होता है गलती हर इंसान से होती है, गलतियों से ही इंसान आगे सीखता भाई जी। आज तक मेरे घर पे मेरे आज तक का रिकॉर्ड है भाई, मैं आपको बता देता हूं, ये दरबार जब से अपना बना सारी चीज का दरबार में आगे कोई भी मत्था टेक दे आपने जो देखा हुआ पेशी दो मिनट में खेल जाती है, किसकी वजह से, इन देवी देवताओं हमारे माँ बाबा की वजह से, सबकी वजह से, तो मेरी औकात है कुछ भी नहीं है, मुझे वो सेवादार का मौका दे रखा है, सेवा का मौका मुझे दे रखा है, मैं तो सेवा करता हूँ, वो सेवा का करता हूँ, तो इसी वजह से माँ बाबा ने मुझे सिखाया भी बेटा आगे आज ये गलती हुई आगे मत करना ये गलती, मेरे को सिखाया मेरे को समझाया और मुझे समझ भी आ गया। तो इसलिए कहते हैं भाई जी कभी भी है ना अहंकार मत दिखाना, कभी भी अपने देवी देवताओं को ये मत बोलना कि हम नहीं आएंगे, वो बुला लेंगे। आज से ऐसे कई केस आपने कई देखे होंगे भाई, मेरे बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है हॉस्पिटल जाते हैं, कहीं ना कहीं आपकी देवी या देवता आपसे नाराज है, आप कितने भी चौकी पे घूम लेना कितने भी धक्के खा लेना पर अपने देवी देवताओं को नहीं मनाओगे ना जब तक आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके देवी देवता नाराज है उनके स्थान पे जाओ, जाना स्टार्ट करो, गलती मानना स्टार्ट करो, भोग प्रसाद चढ़ाओ, किसी भगत के पास मत जाओ, देवी देवता के स्थान पे जाके माफी मांग लो, उनके पास जाना शुरू करो, आधे से ज्यादा घर की बीमारी आपकी वैसे निकल जाएगी। पर आजकल आप है ना नए नए लाग अपने लगा लेते हो, आज आपकी देवी तो माँ बेरी वाली है, माँ शीतला है, माँ कालका है, या कोई भी एक्स वाई जेड शक्ति आपकी कुल देवी है, आप जाना अन्य शक्ति के पास जाना शुरू कर देते हो, दरबार में जाना स्टार्ट कर देते हो, दरबार वाला अपनी शक्ति को आपके घर में पुजवाने लग जाता है, पुजवाने के बाद वो दिक्कतें समस्या शुरू हो जाती है, आपकी शक्तियों को दरबार वाला भी भूल जाता है। तो भाई दिक्कतें तो होगी ना, समस्या तो होगी जब तक आप दरबार से जुड़े हो जब तक, ठीक है, अगर कोई दरबार वाला आपके घर की शक्ति को साथ में पुजवा के चलता तो आप उस दरबार में जाओ भाई, मना नहीं करता मत जाओ,
पर भाई गलतियों से ही आप सीखोगे, कहीं ना कहीं आपके देवताओं की गलती है। आप कहते हो मुझे मसानी माता दिखती है, चुड़ैल वाली माता दिखती है, गलत में दिखती है, ये दिखती है, अपनी माँ पे एक बार मत्था तो टेको, माफी तो मांगो, गलती का एहसास तो करो। माफी मांगना ये नहीं होता कि भाई माई रानी मुझे माफ कर दे, अंदरली आवाज से ए माई रानी, एक अंदर पुकार से, एक जो कहते हैं भाव से, उससे माफी मांगना, आपकी समस्या आधे से ज्यादा वैसे ठीक हो जाएगी। भाई गलती मुझसे हुई, मैंने अपनी गलती आपके सामने शेयर की, भाई ये गलती हुई थी, मैं बाहर खड़ा रह गया था, अंदर नहीं गया था, माई रानी मेरे को दर्शन देगी, मैं तो कहता हूँ माई रानी चलो ठीक है गलती हुई, पर गलती से माई रानी के दर्शन तो हुए मुझे, साक्षात रूप में दर्शन तो दिए। सामने मेरी माता शीतला खड़ी थी, एक होती है माँ शीतला गुड़गांव वाली, एक होती है माँ शीतला सीले सत्य वाली, जो खुद माँ पार्वती माँ काली का रूप है। भाई जी आपने देखा हो शीतला माता, दो थे उन माता के मुझे दर्शन हुए। भाई जी तो कभी गलती से ही इंसान आगे सीखता है, गलती से ही आगे बढ़ता है, और गलतियों से ही सीख सीख के आदमी एक अच्छा, अगर आप बिजनेसमैन हो तो आप भाई अच्छा, जब गलती नहीं करोगे जब तक आप अच्छे बिजनेसमैन नहीं बनोगे। अब बाप बने हो, बाप जब आप करते हो, पोटी करते हो, तो बच्चे की छाप करते हो, सारी चीज करते हो, जब साफ करते करते तो उसको पाल पोस के बड़ा करते हो। भाई जी अच्छा एक बात बताओ, आपसे एक बातें पूछता हूं, आप हवाई जहाज में बैठते हो, क्या आप उस पायलट को जानते हो? नहीं जानते। आप बस में बैठते हो तो बस के कंडक्टर ड्राइवर को जानते हो? नहीं जानते। आप रेल में बैठते हो, रेल के पायलट को नहीं जानते, पानी के जहाज में बैठते हो, नहीं जानते। फिर भी आप टेंशन फ्री होकर उनमें बैठ जाते हो कि हाँ हमें सही सलामत पहुंचा देगा। फिर आप अपने जीवन के पायलट को कैसे भूल जाते हो? अपने घर में टेंशन में रहते हो, मेरे घर में भूत आ गया, प्रेत आ गया, या आपके जीवन का पायलट तो खुद भगवान है। भाई जी जब आप उन पे निर्भर हो जाओगे ना, भगवान पे, अपने इष्ट पे निर्भर हो जाओगे, तो इस जिंदगी में भी खुशियां खुशी आ जाएगी। पर आप निर्भर नहीं होते, आप भक्तों पे ज्यादा निर्भर हो जाते हो, बलि ज्यादा देने लग जाते हो, तामसिक भोग की तरफ चले जाते हो। आपको मेरे को कई लोग कहते हैं भाई आप इतनी तामसिक करते हो, क्या एक बार दुर्गा सप्तशती पढ़ लो। मैंने भाई दुर्गा सप्तशती पूरी की पूरी पढ़ ली, भाई पूरी पढ़ी मैंने दुर्गा सप्तशती, उसमें कहीं भी तामसिक भोग का वर्णन नहीं। तामसिक गुण है भाई जी, हम सब में तामसिक गुण है, आप में भी है, मुझ में भी है, हर किसी में तामसिक गुण है। सात्विक गुण भी है, जो हम खाना खाते सारी चीज का वो करते हैं, भाई हम अपने करते हैं, राजश्री हम जब पिता बन जाते हैं अपने बेटे को आशीर्वाद देते हैं, ताऊ बन जाते हैं, दादी बन जाते हैं, दादा बन जाते हैं अपने बेटे को आशीर्वाद देते, किसी को आशीर्वाद देते, हमारा राजश्री है कि हम बड़े हो गए, हम राज करने वाले हैं, राजश्री हम हो गए। भाई तामस गुण होता है भाई जी, जब हमें गुस्सा आ जाता है, गुस्सा मतलब कि भाई हम किसी को डांट देते हैं, चाटा मार देते, पिटाई कर देते, सारी चीज कर देते, वो हमारा तामस गुण है, वो हमारा गुण है तामस गुण। तामस गुण जब आता है, जब हमें भाई माँ रानी ने जब अपना रक्त बीज का संगार किया था, वो तामस गुण ही तो था, गुस्सा आ गया था माँ को, माने कुछ नहीं देखा, सब कुछ काट पीट दिया, सारी चीज को तामस गुण एक्टिव हो गया था। तो ये हमारे गुण है भाई जी, इनको आप समझो, कहीं भी तामसिक भोग का वो नहीं बता रखा कि तामसिक भोग दो, ये गुण बता रखे हर इंसान के अंदर होते ही, पर लोगों ने अपने स्वाद के लिए, अपने सारी चीजों के लिए आप अपने गुण बना दिए, आप अपने भोग बना दिए। मैं किसी को क्या बोलूं भाई, मैं तो आपसे ये बोलूंगा कि आप सात्विक रहो, सात्विक पूजा करो, जो शक्ति जो बल सात्विक में ना, वो मैं तामसिक में भी नहीं मानता भाई, मैंने खुद देखा भाई, मेरे को माता रानी के दर्शन भी हुए, बाबा के मुझे दर्शन हुए, मेरी एक वीडियो में लाइव था, मैं लाइव के अंदर भी आके माता रानी ने सबको लाइव के अंदर वीडियो के दर्शन दिए थे, उसका लाइव की वीडियो देख लेना मेरे, अगर आपको चैनल बना, उसमें मैंने बकायदा बता रखा है कि माँ काली का माँ चौकंडी का चमत्कार कुछ ऐसा ही मैंने बता रखा। माँ रानी बिल्कुल सामने खड़ी हो गई थी भाई, पीछे आप देखोगे आपको खुद पता लग जाएगा। तो ये तो माँ ने तो मेरे को लाइव में दर्शन दे रखे भाई, सबको जितने उस दिन लाइव में जुड़े सबको दर्शन हुए थे। तो आप किस चीज का वो करते हो? भक्ति करने वाले पे कभी भी काला जादू नहीं चल सकता, इस चीज की गारंटी मैं देता हूं भाई। आपके देवी देवता नाराज जरूर हो सकते हैं, उनको मना लो सब ठीक हो जाएगा, आपके पितर नाराज मिल जाएंगे, कुल देवी नाराज मिल जाएंगे, कुल देवता नाराज मिल जाएंगे, इस चीज की गारंटी तो मैं देता हूं भाई। मैं खुद श्योर था कि गलती हो रखी है मुझसे कोई गलती हो रखी, क्योंकि इतना तो मुझे भी है कि मेरे घर में कोई नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती, मेरे पर कोई काला जादू कर ही नहीं सकता, नहीं चल सकता किसी का। क्यों? क्योंकि हम पूजा ही ऐसी करते हैं भाई जी, जिसको अपने इष्ट पे विश्वास हो जाता है ना, उसके ऊपर कभी भी काला जादू नहीं चलता, और उसके इष्ट ही उसकी समस्या को उससे निकाल देते हैं। हर भगत से गलती होती है, किससे नहीं हुई भाई, इस संसार में बैठे गोरी हो, तपस्वी हो, साधु हो, संत हो, नाथ हो, कोई भी हो, हर किसी से गलती होती है, और गलतियों से वो सीखते हैं। तो एक गलती हुई मुझसे पहली बार लाइफ में ऐसी कि माइंड क्या घुमा, क्या माइंड परीक्षा ली मेरी, क्या कुछ नहीं लिया, और मुझे देखो सिखाया भी और दर्शन भी दे गई। मैं तो माई रानी का चमत्कार मानता हूं कि माई रानी कुछ भी था, कैसे भी था, आपने दर्शन तो दिए, माफी मैंने मांगी, गलती होगी माई रानी। तो आप भी ये देखो आपसे कोई गलती तो नहीं रखी, अगर आपको भी सारी चीजें हो रही है, सारी चीजें हो रखी, उस गलती को सुधारो, आपकी आने वाली समस्या भी ठीक होगी, आपके पितर भी खुश होंगे, आपके देवी देवता भी खुश होंगे। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, एक नई विषय के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर जाना। जय माता दी, हर हर महादेव, हर घर महादेव। दिल्ली दरबार का डंका हो, संकट की लगा दे लंका हो, दिल्ली दरबार का डंका हो, संकट की लगा दे लंका हो।
दरबार निराला सारे जग ते प्यारा सारे भूत प्रेत होवे दूर बालाजी अस कृपा कर दे जीते जी।